हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 24 मार्च 2022 से करेगा और इसमें दोनों कक्षाओं को मिलाकर 51 लाख से अधिक छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को विशेष बसें चलाने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC द्वारा UP बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष बसों चलाई जाएंगे। निगम द्वारा इन परीक्षा विशेष बसों के माध्यम से परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र के लिए ट्रैवल को सुगम बनाने के उद्देश्य से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर हाल ही आयोजित बैठक में इस संबंध में आदेश दिया गया। COVID-19 महामारी चलते प्रभावित रही बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 2 वर्ष बाद इस बार किया जा रहा है और इसके कारण कई छात्र उपस्थित होने के लिए चिंतित हो सकते हैं। रूस के हमले से यूक्रेन के सूमी केमिकल प्लांट से अमोनिया गैस के रिसाव ने चिंता को बढ़ा दिया है। ये गैस जानलेवा हो सकती है, इसके लिए समय रहते रोकथाम के उपाय जरूरी हैं। बता दें कि अब तक इस युद्ध में यूक्रेन को जान और माल की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। रूस ने उसके कई रणनीतिक ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। न्यूक्लियर प्लांट से लेकर अस्पताल, एयरपोर्ट, हथियारों के डिपो और केमिकल प्लांट भी इस जंग में तबाह हुए हैं। हाल ही में रूस की एयर स्ट्राइक के बाद सूमी के एक केमिकल प्लांट से अमोनिया गैस रिसाव की खबरों से चिंता बढ़ गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस रिसाव का असर से 5 किमी दूर तक देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अमोनिया गैस बेहद खतरनाक होती है, इसका रिसाव इंसान की जान तक ले सकता है। रालोद प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद डॉ मसूद अहमद ने कहा कि किसान आंदोलन की वजह से गठबंधन की लहर थी। यह बात और है कि गठबंधन अति आत्मविश्वास सीटों के बंटवारे को लेकर उहापोह और टिकटों के वितरण में घालमेल के कारण हारा। बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा रालोद गठबंधन पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले डॉ मसूद अहमद ने कहा है कि गठबंधन चुनाव इसलिए हारा क्योंकि अखिलेश यादव अति उत्साह में यह मान चुके थे कि वह मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नतीजा उल्टा आया। डॉ मसूद यह भी कहने से नहीं चूके कि कांग्रेस को छोड़ सभी राजनीतिक पार्टियों में टिकट बेचे जाते हैं। उन्होंने बताया कि वह भारतीय क्रांति मोर्चा नामक गैर राजनीतिक संगठन गठित कर अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों और किसानों की आवाज उठाकर उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। मोर्चा की बैठक जल्द ही मुरादाबाद में होगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचार के दौरान बेहद सक्रिय रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अब अगले अभियान में लग गए हैं। उनको अब 2024 का लोकसभा चुनाव दिखने लगा है। बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में लगी भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने टॉनिक देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हाल में विधानसभा चुनाव भाजपा के हारे प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाने के लिए पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने लिखा है कि हार तो क्षणिक विराम है, विश्राम नहीं है। आप कुछ मतों से पीछे रह गए, पार्टी को संपूर्णता में जीत ही देखती है। विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी जीत का रिकॉर्ड बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को बेहद भव्य बनाने की तैयारी कर ली है। 25 को जिलों से कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है। बता दें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में शासन, लखनऊ जिला प्रशासन तथा पुलिस के साथ अब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई भी काफी सक्रिय हो गई है। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 25 मार्च को होने वाले योगी आदित्यनाथ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जिलों से भी भाजपा कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। भाजपा का नेता विधायक दल चुने जाने से पहले सोमवार सुबह 11 बजे 5वीं निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इससे पहले सुबह 10 बजे राजभवन में राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह सैनी ने नामित प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत को शपथ दिलाई। सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलानी शुरू की। इस दौरान सबसे पहले विधायक अनुपमा रावत को शपथ दिलाई गई। हाल ही में अनन्या पांडे को धर्म प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता के बर्थडे बैश में शीर्षी थरू ड्रेस पहनने के लिए भारी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। अब ऐसे तमाम ट्रोल्स पर उनके पापा चंकी पांडे ने रिएक्ट किया है। एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में दिग्गज अभिनेता ने कहा कि वह अनन्या को कभी नहीं बताते कि क्या पहनना है क्या नहीं, और जहां तक की बात है तो उन्हें लगता है कि कम से कम लोग आपकी चर्चा तो कर रहे हैं कि यह अच्छा है या बुरा।
दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान इन दिनों स्पेन में अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान की शूटिंग कर रहे हैं। जब से दोनों ने स्पेन में शूटिंग शुरू की है, सेट से तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। एक तस्वीर जिसने नेटिजन्स का ध्यान खींचा वह थी जहां दीपिका अपनी मध्यमा उंगली दिखा रही थी, शायद उन लोगों को जिन्होंने सड़क से शूट की तस्वीरें ली।